यार मेरे को तो फ्यूज भी बहुत अच्छी लगती है, क्या इसे घर पे बना सकते हैं? बहुत आसान है, तो बनाओ फिर। चलो देखो फ्यूज में होती है 3 लेयर। पहली वाली लेयर के लिए पता है मैं क्या करूंगी, मिल्क चॉकलेट में ना थोड़ी सी मूंगफली को ऐसे क्रश करके डाल दूंगी। तो सेकंड लेयर के लिए बनानी है कैरामल सॉस, तो मैंने यहाँ पे पैन में चीनी डाली है, लो फ्लेम करके इसको मेल्ट हो जाने देंगे। इसमें डालेंगे बटर, मिक्स करते रहो और लास्ट में ना थोड़ी सी क्रीम डाल दो, फ्रेश क्रीम, और इसको अच्छे से मिक्स करते रहो, फ्लेम को एकदम लो रखो, और बस आपकी सेकंड लेयर भी रेडी हो जाएगी। और थर्ड लेयर को हम अभी नहीं बनाएंगे, वो एकदम इंस्टेंट बनेगी तभी की तभी। मोल्ड ले लो, पहले इसमें लगाएंगे फर्स्ट लेयर ऑफ चॉकलेट, फिर लगाएंगे सेकंड लेयर कैरेमल वाली लेयर, और थर्ड लेयर बनाने के लिए पता है क्या करना है, ये जो पहले वाली चॉकलेट बनाई थी ना इसी में थोड़ी सी कैरेमल सिरप डाल दो, मिक्स करते रहोगे ना तो ये टेक्सचर एकदम कैंडी वाला टेक्सचर हो जाएगा। इसको रोल करके इसके बीच में फिल कर दो, ऊपर से फिर से कैरेमल की लेयर लगाएंगे और फिर लास्ट में चॉकलेट वाली लेयर भी लगा दें। अब इसको फ्रीज में रखना है, फ्रीजर में नहीं रखना है। जब सेट हो जाए तो इसको मोल्ड में से निकाल लो। कितने मजे की लग रही है ना, ट्राई करके देखते हैं। एकदम से